न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज TV। मैं हूँ आपके साथ प्राची, तो आइए देखते हैं आज के कुछ खास खबरें। बाल तस्करी निरोगा भांडाफोड़ डॉक्टर समेत 7 लोगों को किया गिरफ्तार। कुहिप में पुलिस गांजा विक्रेता को पकड़ा, मांडल में होंगे कार्रवाई। बच्चे के साथ कुएं में कूदकर महिला ने दी जान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार। बाल तस्करी निरोग का भांडाफोड़ डॉक्टर समेत 7 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस के बच्चों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ कर एक चिकित्सक और 6 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह ने संदेशों को नवजात और एक बच्चे को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि अपराध शाखा के शनिवार को आरोपी डॉक्टर सोनराव खड़ावे, वंदना अमित पवार, शीतल गणेश वारे, सेना सूर्यवंशी, सीमा हसीब खान, लता सुरनवाड़े और शरद मारुति देवारे को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना मिलते ही विकराई निवासी शीतल वारे ने कथित तौर पर 5 महीने के बच्चे को 2 लाख रुपए में बेच दिया। शीतल वारे को गोवड़ी में पकड़ा गया। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर खड़ाके को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने कथित तौर पर बच्चे को बेचने से उसकी मदद की। बाद में बच्चे को रत्नागिरी के गुनहगार बचाया गया। पुलिस ने बताया है कि जांच से पता चला है कि आरोपी ने 2 साल के बच्चे को बेचने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसे बचा लिया गया। गिरोह के कथित तौर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बच्चों की तस्करी में शामिल था। गिरोह के सदस्य के खिलाफ किशोरी अन्याय, बच्चों की देखभाल के संरक्षण में अधिनियम तथा भादवी के संबंध में प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुही में पुलिस गांजा विक्रेता को पकड़कर मांडला में की गई कार्रवाई। कुही में गांजे की तस्करी कर रहे व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी राकेश बाबूलाल ठौकर है। यह कार्रवाई शनिवार 27 अप्रैल की मध्यरात्रि में की गई। मांडला में गांजा बेचे जाने की सूचना कुही मार्ग क्षेत्र में मिली। इसके आधार पर पंचो फोटोग्राफर वजन कांटे के साथ राकेश ठौकर के घर पर छापा मारा गया। तलाशी लेने पर कमरे में प्लास्टिक की बैग्स मिली, जिसमें 450.58 ग्राम गांजा मिलने की कीमत 9,000 रुपए बताई गई है। राकेश ठौकर के खिलाफ NDPS के तहत मामला दर्ज किया गया। कुही के प्रभावित थाने क्षेत्र में AVS दीपक अग्रवाल के नेतृत्व में PIC हरीर सोनकुरे, MIC दुर्गा शंकर, हवलदार सुधीर ज्ञानेश्वर, कांस्टेबल रंजित मेश्राम, रविंद्र मारबते, अर्जुन नागतोड़े, सीमा भूपेंद्र भोड़कर ने यह कार्रवाई की। राकेश ठौकर ने यह गांजा कहां से खरीदा, इसका पता लगाया जा रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बच्चे के साथ कुएं में कूदकर महिला ने दी जान। पिंपलगुड़ में एक विवाहित ने अपने पति द्वारा सताए जाने के कारण से 1.5 साल के बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली। दोनों के शव कुएं के पास के खेत में मिले। यह घटना शनिवार को प्रकाश में आई। महिला के पिता की शिकायत के आधार पर रालेगांव पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ आत्महत्या के उकसाने का मामला दर्ज किया गया। मृतक की पहचान घमा संजय कराड़े, मीरा संजय कराड़े के रूप में हुई। घमा ने 2021 में संजय सीमांत कराड़े से शादी की थी। घमा एक आंख से नेत्रहीन थी। उसके पति ने तीसरी शादी की थी। घमा को पति संजय बेटी को जन्म देने के कारण उसकी पिटाई करता था। वह उसे ताने देता था कि आंखों में अंधी है, इसी तरह से बात पड़ोसी हमेशा सुनते रहते थे। घटना वाले दिन 26 अप्रैल को घमा की उसने पति संजय से पिटाई की थी। बाद में शनिवार के दोपहर 4 बजे उसका शव कुएं से बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार घमा के पिता बुकेंद्र बालकृष्ण सोनाले ने किशोरी सोनाले की घटना की जानकारी मिलते ही पिंपड़ी खुटा पहुंचे। जब उन्होंने पड़ोसी से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि आए दिन वह अपनी पत्नी से मारपीट करता था। इस मामले में बुकेंद्र सोनाले अपने दामाद के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। उस पर पुलिस संजय कराड़े के खिलाफ पति का आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज TV पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।